प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने किया जा रहा है। किए जा रहे धरना प्रदर्शन के संबंध में कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। यह विरोध 52 जिलों में चल रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 20 वर्षों से कार्यरत है। हमेशा उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। आइए सुनाते हैं पदाधिकारियों ने और क्या जानकारी दी है। अनिश्चितकालीन है, क्या मामला है यहाँ पर? मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर प्रसाद तिवारी। प्रदेश आह्वान पर प्रदेश स्तर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में कल दिनांक 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और समय समय पर हम लोगों ने शासन प्रशासन स्तर पर मांगे उठाई है, लेकिन हमेशा हम लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे ये नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति बनाई थी, तब तक हमको वो प्रदान किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जितने निष्कासित साथी हैं उनकी बहाली हो। ऐसे कितने स्वास्थ्य